आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि तमाम सोशल मीडिया पर इस समय खबर चल रही है, जिसको सुनकर के आप लोग हमारे चैनल पर सहयोग के नाम से आए हैं, तो हम सोचे हैं कुछ आप लोगों से बात करें और अपना पर्सनल जीवन के बारे में, जो हमारी पर्सनल दिनचर्या है, किस तरह से हमारे माता जी हैं, किस तरह से पिताजी हैं, क्या हमारी व्यवस्थाएँ हैं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ दिखाएं और आप लोगों का सहयोग रहे मिलेगा, तो आगे की सारी विषय में हम बात करेंगे। किस तरह से हमारा पैर खराब हुआ, कैसे इनसे शादी हुई, किस परिस्थिति में ये आई, इस समय हमारे पिताजी की हालत क्या है, माताजी कहाँ हैं, कैसे कैसे हम सारी व्यवस्थाओं को अरेंजमेंट करते हैं, इन सारे विषयों पर आप लोगों से बात करेंगे और अपनी सारी बातों को शेयर करेंगे। तो आप लोग सभी लोग वीडियो में बने रहें, हम आगे की बात दिखा रहे हैं क्या हालत हमारे पिताजी की है, कैसे हैं माताजी, कैसे हैं माताजी को शायद अभी नए लोग देखे होंगे, तो आज सारे लोगों से ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पिताजी हैं। ये जब हमारा पैर खराब हुआ था तो ये डिप्रेशन में चले गए थे, किसी तरह से सही हुए हैं। मान लीजिए अब इनकी शौक रहती है कि कौन सा ऐसा काम कर दें जिस वजह से हमें परेशान ना होना पड़े, पैसे रुपए की दिक्कत ना हो। इनको पता चला कि हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने से पब्लिक देखेगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये लगभग 80 साल उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी दिन भर टेंशन में रहते हैं, वीडियो बनाते हैं और शाम को पूछते हैं कि लोग वीडियो देखे तो एक भी रुपया मिला कि नहीं मिला। तो ये इनकी स्थिति है, ये देख लीजिए। माता जी से भी मैं पर्चा करवा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों, ये हमारी माता जी हैं, यही हमारे शादी होने के बाद सारे कामों में सहयोग करती थी, लेकिन ये सीढ़ी पर से गिर गई और इनकी कुल्ली टूट गई है। अब ये बैठी रहती हैं, इनकी देख रेख वही निशा जी हैं, निशा और बड़ी वाली मैडम हमारी आशा, यही लोग देख रेख करती हैं। अब आइए थोड़ा सा इनसे हम आपसे बात करवाते हैं। पैरवा वैरवा दर्द करा ला कि ठीक है? ये समय में पैरवा बहुत दर्द कर ला, दवाई और आ गए 3-4 दिन का, रात भर सुतते ना ला। दवाई ना है समय नहीं, रात का करवट घूमे में बहुत दर्द हो ले। अच्छा हाँ, तो दोस्तों देखिए इनकी दवा ख़त्म हो गई है, परेशानी में रहती हैं, इनकी कुल्ली में उराट पड़ा है, वो हमेशा दर्द करता रहता है। वो कुल्ली टूट के निकल गई थी तो उसमें कुल्ली के बदले राट डलवाए हैं, दिक्कत करता है। और आगे हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा एक छोटा सा किचन है जिसमें ये लोग काम करती हैं। आप अभी आपको दिखा रहे हैं चूल कैसे बनी है। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा किचन है और इसके बाहर ये चूल है जिस पे हम लोगों का खाना बनता है। गैस नहीं है जिस वजह से हम लोगों का खाना लकड़ी पे बनता है। ये निकाल रही हैं और अभी अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। अभी दोनों बहनें एक साथ हो गए और ये लोग मिलजुल करके आपस में काम कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इन्हीं लोगों की वजह से आज जो कुछ भी हैं हम हैं, यही लोग हमारी सहारा हैं। और ये किचन है और हम अपना घर भी दिखा रहे हैं, घर भी कोई दिक्कत नहीं है, घर ठीक ठाक है, उसमें हम लोग भीगने की कोई बात नहीं है, भीगते नहीं हैं। ये देखिए, ये हम लोगों का हमारा घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। इस समय गर्मी का सीज़न है तो अंदर सोने पे गर्म होता है, इसलिए हम लोग बाहर सोते हैं। पशुओं को खिलाने के लिए इसमें भूसा जो होता है, गेहूं का भूसा जो बनता है वो है। और ये घर में खाना बनाने के लिए ये जो उपला, गांव में गोइठा बोलते हैं, ये बनाया गया है, ये रखा गया है। बरसात आने के समय तक इसको व्यवस्थित हम लोग अंदर कर लेते हैं और घर में रहते हैं। लकड़ी रखी गई है खाना बनाने के लिए। दोस्तों ये हमारी पूरी परिवार है, ये बड़ी वाली मैडम, ये छोटी वाली, ये पिताजी और वो माताजी। इन्हीं दोनों लोगों की वजह से मान लीजिए दोनों मीटिंग का हम लोग भोजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। इस समय फिर शांति है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। ये पिताजी हैं जो वीडियो बनाते हैं, तो ये निशा जी बनाती हैं तो उनमें इनका सहयोग रहता है। वीडियो बना लेने के बाद
सुबह में अगर वीडियो कोई बन गई तो शाम तक होते होते कम से कम 10 बार पूछते हैं कि वीडियो या लोग देखे हैं तो पैसा वैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करवाते हैं। ए काका, का कहवा दर्शक लोगन से? वीडियो तो आप देखा था, मत बता दा। दर्शक बंधु, हमारे चैनल को सफल करिए जिससे हमारी रोजी रोटी चले। गरीब परिवार है हमारी। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना विचार बताइए कि हम कॉमेडी वीडियो बनाएं या ब्लॉग टाइप का बनाएं। कॉमेडी वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें कोई भी आदमी उस तरह का कारीगर नहीं है। अब ब्लॉग के लिए आदमी कर लेता है, हम भी अभी इस फील्ड में नए हैं, भले शिक्षक रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये वाली फील्ड शिक्षक के लिए भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट कम से कम दो दो चार चार करिए ताकि YouTube को भी लगे कि नहीं इस वीडियो को प्रमोट करना चाहिए और ये वीडियो प्रमोट हो और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरी भी रोजी रोटी चलने लगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद रख रहा हूँ कि ये वीडियो निश्चित ही वायरल हो जाएगी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। मिला है इसलिए एक हमारे यहाँ के पत्रकार महोदय श्री ब्रिजभूषण दुबे जी आए थे हमारी मदद में और आए बहुत कुछ मदद किए हैं। मैं इस वीडियो में उनका भी थोड़ा सा क्लिप डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और आप लोग हमारे इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, कम से कम ये वायरल हो जाए और हमारी भी रोजी रोटी चलने लगे। धन्यवाद।